नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप देख रहे डेरा डॉग मेरे पास है पोवा टू जो टेक्नो की तरफ से लॉन्च किया गया लेडे स्मार्टफोन है और इस वीडियो में बात करने वाले इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में थोड़ा तो बहुत तो इंटरनल के बारे में जान लेते हैं पोवा टू अभी चल रहा है एंड्रॉड इलेवन आउट ऑफ द बॉक्स विच इज वेरी गुड एंड जून ट्वेंटी का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच है उसके साथ साथ अगर यू देखा जाए यहाँ पर मिलता है हाई ओ एस सेवन इज हाईली कस्टमाइजेबल ओएस पेनड्राइव चेक कर लेते हैं यहाँ पर काम करता है कि नहीं ड्राइव सी का पेनड्राइव का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर एंड uh, मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है लेट मी ओपन इट सो आराम से पेन ड्राइव एक्सेस कर पाएंगे अगर आप कोई भी आ, वीडियो प्ले करना चाहते हैं पेन ड्राइव से वो भी अगर आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी इशू अगर वाईफाई बैंड देखा जाए यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है टू पॉइंट फोर गीगर्स एंड फाइव गीगर्ट्स दोनों वाईफाई बैंड का आप सुविधा ले सकते हैं ऐप टू इन फैसलिटी के बारे में बहुत किसी ने पूछा था और फाइनली टेक्नो डिवाइस में भी डुअल ऐप का फीचर आ गया सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्पेशल फंक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐप टू इन मतलब कोई भी ऐप स्पेशली जो सोशल मीडिया ऐप्स अगर आप डुअल ऐप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं उसके बाद आप एक ही एप्लीकेशन दो इस्तेमाल कर ट्रैवल करते हैं उन लोगों को कॉम्पस का जरूरत पड़ता है एंड इस डिपस ऑलरेडी अवेलेबल है वो है एफ रेडियो इस डिवाइस में एफ रेडियो का सुविधा मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर वायरलेस एफ रेडियो मिलता है मतलब अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली वायरलेसली एफ एम रेडियो चला सकते हैं उसके लिए आपको हेडफोन का जरूरत नहीं पड़ता बिना हेडफोन के भी आप एफ एम रेडियो प्ले कर सकते हैं जैसे में थ्री सिक्सटी फ्लैश का ऑप्शन अवेलेबल है फ्लैश लाइट को प्रेस एंड होल्ड करने से आपको फ्रंट फ्लैश बैक फ्लैश या फिर थ्री सिक्सटी फ्लैश का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप रेयर फ्लैश एंड फ्रंट फ्लैश को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है सिंपली आप अगर चाहते हैं कि फ्रंट फ्लैश इस्तेमाल करना वो भी आप आराम से कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो रेयर फ्लैश इस्तेमाल करना वो भी आप कर सकते हैं तो फ्लैश का जो फीचर

का वॉइस रिकॉर्डर उसके साथ साथ व्हाट्सएप कॉल ब्यूटी पिक मोड ये सभी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल है कोई अगर आपको मैसेज भेजता है आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन जिसने भेजा है उसको लगेगा अभी तक मैसेज अनरीड या फिर अनसीन है तो ये वाला फीचर काफी बढ़िया उसके साथ स्टेटस स्टेटसएप आप इमोजीज uh, बना सकते हैं क्लियर डेटा कर सकते हैं सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल टर्बो नेक्स्ट है गेम so मोड जिसके बारे में

टैप करो ओके कर दो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये अनफ्रीज हो जाएगा और उसके बाद फिर से ये वापस चलाएगा सो so, ये वाला काफी एक बढ़िया ऑप्शन है मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता फ्रीज़र आप भी एक बार ट्राई आउट करके देख सकते हैं डिवाइस के नीचे तीन बटन्स मिलता है अगर आप चाहते हैं तो फुल स्क्रीन जेस्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आपको उस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एकदम नीचे सिस्टम आएगा उसके बाद सिस्टम नेविगेशन है सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर नेविगेशन या फिर थ्री बटन नेविगेशन आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं

उसके बाद नेटवर्क कनेक्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ डिटेल फील करना पड़ेगा और आप अपना ई वारंटी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और आपको दिखा देगा कि आपके फोन का वारंटी कब से लेके कब तक वैलिड है थोड़ा बहुत डिस्प्ले सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल भी है सबसे पहले ये वाला मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या होता है एक्सीडेंटल टचेस होता है या फिर पैंट के पॉकेट में फोन अनलॉक हो गया वो यहाँ पर आपका नहीं होगा विच इज प्रेटी गुड उसके साथ साथ यहाँ पर आप स्क्रीन कीप ब्राइट रख सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट में तो स्क्रीन एकदम फुल्ली ब्राइट रहेगा एंड डार्क

थी फलर्ट प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ये वाला पेज आपका खुल जाएगा नहीं तो आप तो डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं सिक्योरिटी में एकदम सबसे नीचे आपको मिल जाएगा थी फलर्ट थीफ अलर्ट अगर आप ऑन करते हैं तब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको तो पिन या फिर पासवर्ड देना पड़ेगा ये बेसिकली क्या करता है फॉर एन एग्जाम्पल आप कहीं पर है जहाँ पर फोन चार्जिंग में लगाए एयरपोर्ट में हम लोग कभी काम करते हैं चार्जिंग में लगाए थोड़ा बहुत दूर आके बैठते हैं तब अगर कोई आपका फोन चार्ट से निकाल के चोरी करके लेके जाना चाहता है तो ऑटोमेटिकली सायरन बजने लगेगा सो so, वो काफ़ी एक बढ़िया फीचर है और ये हम लोग बहुत सारे जगह पर हम लोग मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल ईयरफोन्स अनप्लग्ड आप गाड़ी में जा रहे हैं एयरफोन लगा हुआ है आप सुन रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोगों का ख्याल भी नहीं रहता वो फ़ोन ले चला जाता अगर एयरफोन अनप्लग्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली साढ़े बजने लगेगा तो उससे क्या होगा एक तो आपका फोन तो ब्लॉक हो ही जाएगा पासवर्ड से उसके साथ साथ पता चल जाएगा कि आपका फोन स्टोलन हो गया है फिर होने वाला है तो ये कुछ कुछ जो फीचर है या फिर थी फलट में जो काफी यूजफुल है तो पर एक इंस्टेंट क्लीनर दिया गया है आप डायरेक्टली वन टैप से अपने फोन को बूस्ट कर सकते हैं इंस्टेंट जो कुकीज़ कैश है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों तो ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ पोवा टू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड डेडाउ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए तो লিখি নাই দিছা ফুড খুব পুচিও এণ্ড মাই নেক্সট বিডিঅ' বাই বাই